मैं आपको बताऊं, उस वक्त सभी लोग अच्छा म्यूजिक देते थे और सबके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध, और सबके साथ बड़ी अच्छी यादें भी रही। और शंकर जयकिशन आपके साथ बरसात फिल्म से जुड़े राज कपूर जी के साथ, जी हाँ जी हाँ, और आपके साथ तो बहुत लंबा साथ रहा शंकर जयकिशन जी का। मुझे लगता है मैंने उनके बहुत गाने गाए हैं, उनके हर गाने में मुझे कुछ अच्छी बात लगती थी, नयापन लगता था जी। और वो भी दोनों थे ना, अलग अलग टाइप का म्यूजिक करते थे जी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत साहब और शैलेंद्र जी, हम सबका मतलब एक ऐसा ग्रुप था कि रिकॉर्डिंग करते थे, फिर खाना खाने जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था, काफी काम किया उनके। दीदी वो घर आया मेरा परदेसी जो गाना है सुना हमने, उसकी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हुई थी। जी हाँ, काफी लंबी हुई थी, और सुबह 9:30-10 बजे शुरू हुआ और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे खत्म हुआ। अच्छा, क्योंकि उसमें मनादा का भी गाना था। हाँ। मेरा तो छोटा सा पार्ट था। हाँ। पर उसके बाद मनादा का गाना था जिंदगी जिंदगी, पर देर हो गई थी बस, और अच्छा। हम लोग बैठे रहे, गाते रहे जी। दीदी मनादा के साथ भी तो आपके बहुत अच्छे अच्छे गीत रहे हैं। या उनके साथ क्लासिकल गाने जो थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने थोड़े बहुत उनके साथ गाने गाए हैं, और उनका मेरा वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चुंदरी संभल गोरी। अच्छा अच्छा जी जी, आरवी बर्मन का। दीदी मोहम्मद रफी साहब के साथ तो एक बहुत लंबा वक्त गाने बहुत गाए हैं जी, पर हम लोगों का इतना मिलना वगैरह नहीं होता। अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं, काम के वक्त मिलते थे जी, और वो बातचीत तो बहुत कम करते थे, और जो करते थे वो बहुत अच्छी जगह से बात करते थे जी। और ये दो ऐसे मैंने हमारे प्लेबैक सिंगर देखे जो किशोरदा और अपने रफी साहब, दोनों को खाने का बहुत शौक था, पर तम्बाकू सिगरेट शराब वगैरह कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं, खाना जरूर अच्छा चाहिए दोनों को, तो यही उनका शौक था, ये बहुत कम नजर आता है इस तरह। दीदी किशोर कुमार जी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले उनका भी पहला गाना और मेरा भी उनके साथ पहला गाना युद्धी पिक्चर में हुआ था जी, जिसका म्यूजिक खेमचंद प्रकाश जी का था, और वो गाना था ये कौन आया, तो वो गाना हमने सबसे पहले गाया, और फिर हम लोगों की जमती जी बात करना, हंसना, बहुत हंसाते थे और अच्छा लगता था उनके पास जाना, जाते वक्त भी उनका मजाक चलता रहता था। अच्छा। तो गाना मुश्किल हो जाता था, अपने जोक्स और बीच में कुछ और गाना गाना, इतना डरते थे कि हम लोग सब हंसते रहते थे, क्या कहूँ मैं, लोग सब ऐसे थे एक से बढ़कर एक, हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना स्टाइल था जी। और ये भी एक अच्छाई थी उनमें कि किसी और की पिक्चर अगर चली और म्यूजिक उनको अच्छा लगा तो उनके घर पे जाके कहते थे जी, अरे आपने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, जो बहुत मुश्किल बात है जी, किसी को अच्छा कहना और वो भी काम करने वाला आदमी मिलता नहीं जी, सच्ची बात। अगर कहते भी होंगे तो दुख से कहते होंगे, पर मुझे याद है कि हमारे यहाँ के दत्ता करके म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो थे मराठी, और उन्होंने एक बड़ी माँ पिक्चर की थी जो मास्टर विनायक थे उनकी फिल्म थी, मैं उनकी कंपनी में नौकर थी। अच्छा। और बड़ी माँ में नूरजहां जी हीरोइन थी, तो उन्होंने कुछ गाने बनाए थे, और एक गाना नूरजहां जी का मास्टर गुलाम हैदर जी ने सुना, और वो थे दत्ता जी के घर गए जी, और घर जाके उन्होंने कहा कि साहब आपने इस गाने में जो सुर लगाया है जी जी, वो दिया जला के आप बुझाए, ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं, इस तरह की ट्यून मैंने सोची भी नहीं और सुनी भी नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसा ही काम करते रहे, मतलब तो इतने खुश हुए थे क्योंकि मुझे के दत्ता साहब ने कहा, चलो देखो मुझे उन्होंने घर आके इस गाने की तारीफ की, सब जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे सभी अच्छे लोग जी, और सबके साथ मेरा बहुत अच्छा था,
मेरा झगड़ा वगैरह एक दो मतलब मैं लड़ी हूँ, पर बाद में ठीक हो गया सब। अच्छा दीदी, आपको कभी झुंझलाहट हुई जिसे कोई सही साजिंदा न बजा रहा हो, या कभी कोई सुर से भटक गया हो, कुछ ऐसा? नहीं, वो तो होता रहता है, वो तो सबके साथ होता है जी। क्योंकि अगर 100 म्यूजिशियन बैठ के बजा रहे हैं, एक आध तो गलती करता ही है, और वैसे बहुत सी बार होता था। और हम लोगों को तकलीफ क्या होती थी कि पूरा गाना गाना पड़ता था, ऐसा नहीं होता जो आज हो रहा है। आजकल आप एक एक बोल रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक लाइन कर सकते हैं, वो जोड़ दिया जाता है बात खत्म में। म्यूजिक भी ऐसा नहीं होता है कि लाइव है, वो तो पहले रिकॉर्ड करके रख देते हैं, उससे जाके गाते हैं, तो वो बात नहीं आ सकती है जो पहले गानों में आती थी। जी दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे सब परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ, और बहुत खुशी हुई है आप सब लोग ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और खुश रहिए। और दीदी, सभी श्रोताओं की ओर से, संपूर्ण संगीत जगत की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी की यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हमेशा आपका स्नेह हमें इसी तर्ह मिलता रहे। धन्यवाद। हर्षोल्लास के पलों को संजोए समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है, टिक टिक करती घड़ी की सुइयों का बस मिलन होने ही वाला है। अभी रात के 12 बजते ही बदलेगी कैलेंडर की तारीख और होगी 28 सितंबर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्मदिन की तारीख। कुछ पल का इंतजार और तारीख बदलने वाली है। घड़ी की सुइयां उस खास दिन की अगवानी करने के लिए बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ स्वर्णिम आवाज के करोड़ों फैंस गुनगुना रहे हैं। हमारी उम्र लग जा।